अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल कबाब। वेजिटेबल कबाब के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, आलू लिए हैं 4 अदद, मटर लेंगे 1/4 कप, उबली हुई गाजर लेंगे हम 2 टेबल स्पून, प्याज लेंगे हम 1 टेबल स्पून, 1 अदद हरी मिर्च लेंगे, अंडा लेंगे 1 अदद, गरम मसाला पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून नमक लेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च लेंगे, 1/2 टीस्पून हम लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ब्रेड क्रम लेंगे हम हसबे ज़रूरत, तेल लेंगे तलने के लिए, चावल का आटा लेंगे हम 2 टेबल स्पून, हरा धनिया और पुदीना लेंगे हम 1/1 टेबल स्पून। स्टार्ट करते हैं हम। एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे आलू भे हुए, मटर, गाजर डाल देंगे, इन सब चीज़ों को अब हम मैश कर लेंगे मैशर के साथ। ये मैश कर लिया हमने तमाम सब्जियों को, अब हम इसमें डालेंगे धनिया और पुदीना। अब डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, ये डालेंगे हम पाउडर मसाले, अब हम डाल देंगे इसमें चावल का आटा, आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, इसको हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। चीज़ें मिक्स हो गई अच्छे तरीके से, अब हम इसके कबाब बना लेंगे दरमियानी साइज के। ये हमारा कबाब तैयार है, इसी तरह हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। ये कबाब सारे हमने तैयार कर लिए हैं, अब हम इसको अंडे को फेंटेंगे। अंडे को फेंट लिया, अब हम क्या करेंगे, एक कबाब लेंगे उसको अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम लगा देंगे ऊपर से इस तरीके से। हमने इसे ब्रेड क्रम में कोट कर लिया, अब सारे कबाब को हम इस तरीके से कर लेंगे कोट। ये हमने तैयार कर लिए हैं, अब हम इसको फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। ये हमने फ्राई करने के लिए डाल दिया कबाब को, जब इसका एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। एक तरफ से कलर आ गया, हम दूसरी तरफ करते हैं इसको। इस तरफ से भी हम इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तैयार है हमारे कबाब, अब हम इसे निकाल लेते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तैयार है हमारे कबाब, आप इसे घर में ट्राई करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।